नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 और जो हमारा विषय है हिंदी। पाठ्यपुस्तक का नाम है सृजन और उसका जो अध्याय है 16 रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म सन 1908 में, मृत्यु 1976 में हुई। इनका जीवन परिचय कि रामधारी सिंह दिनकर कौन थे, इनकी रचनाएं क्या हैं, तो इनके द्वारा रचित कौन सी रचना जिसका आज हम अध्ययन करेंगे, तो इसका जो संक्षिप्त परिचय है वो जान लेते हैं अपने एक बार। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके अंदर दिनकर जी का नाम अग्रगण्य है। अग्रगण्य मतलब सबसे पहले गिना जाने वाला है। मैथिली शरणगुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए हैं। अब राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरणगुप्त को जाना जाता है, लेकिन दिनकर जी जो हैं मैथिली शरणगुप्त के बाद में दिनकर जी को ही, रामधारी सिंह दिनकर जी को ही राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। अब ये रामधारी सिंह है ना, तो दिनकर जो इनका उपनाम है, ये मूल नाम नहीं है, ये दिनकर उपनाम दिया गया इनको, दिनकर। दिनकर वैसे सूर्य को कहते हैं। तो इनका जो जन्म है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। अब इनकी जो बीए तक की शिक्षा है, यानी कि स्नातक जो परीक्षा जो तक की पढ़ाई है, वो पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला। अब दिनकर जी जो हैं उन्होंने अनेक विभागों के अंदर अपनी सेवाएं दी थी, और फिर बाद में जो गृह मंत्रालय का हिंदी सलाहकार का पद है वो भी संभाला इन्होंने। उनकी प्रमुख कृतियों में उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी, और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। अब देखिए, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, अब उनमें जो उर्वशी रचना है इनकी, तो उसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, और संस्कृति के 4 अध्याय को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और साथ ही साथ जो इनकी कुरुक्षेत्र जो रचना है उसको विश्व के, अब देखिए कितनी बड़ी बात है, विश्व पूरे संसार में जो 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में से 74वां स्थान दिया गया, काफ़ी गौरवपूर्ण बात है ये हमारे लिए भी, कि हमारे देश के अंदर ऐसे जो लेखक हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, साहित्यकार हुए हैं, जिनका विश्व में भी डंका बजता है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। अब इनकी जो रचनाएं हैं वो है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। अब देखिए, 1952 के अंदर ये भारतीय संसद के सदस्य रही हैं, फिर उसके बाद में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, सुशोभित किया गया है। पाठ परिचय जो है, जो दिया गया है, जो अध्याय इसके अंदर जिसका हम अध्ययन करेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये जो पाठ है वो अर्धनारीश्वर पुस्तक है इनकी, उसमें से लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। अब देखिए, ईर्ष्या जो है उससे संबंधित ये अध्याय लिखा गया, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ये पाठ जो है वो अर्धनारीश्वर पुस्तक है, उसमें से संकलित है, ये उसमें से लिया गया है। और प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की जो सबसे भयावह, भयानक जो बुराई है वो ईर्ष्या, उसका इसमें उल्लेख किया है। अब कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है। अब कवि ने ना, ईर्ष्यालु जो मनुष्य है जो ईर्ष्या करता है दूसरे से बिना किसी कार्य की ईर्ष्या करने लगता है जो, तो उसके चरित्र की जो कमजोरियाँ हैं उनको उदाहरण सहित यहाँ पर स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास करता है। अब देखिए, ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, उसके पास में चाहे कितने भी साधन उपलब्ध क्यों नहीं हों,
सुख सुविधा के, लेकिन वह उनसे आनंद नहीं ले सकता। लेकिन दूसरों के जो साधन हैं उनसे कुड़कर मतलब उनसे दुखी होकर अपने जीवन मूल्यों को ह्रास कर लेता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है, तो दूसरी तरफ जो ईर्ष्यालु लोग ईर्ष्या भाव के हैं, स्वभाव के हैं, वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं के लिए रास्ता सुझाया है। और देखिए, इस पाठ के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से लेखक ने, जो दिनकर जी हैं, उन्होंने एक तरफ तो ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय क्या है वो बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से जो ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे हम बच सकते हैं, और दूसरा है कि जो ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग हैं वो किस प्रकार से ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, तो इसका रास्ता भी सुझाया है। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। अब निश्चित रूप से यह जो निबंध है वो स्वाभाविक जो मानवीय है, अब ये कोई किसी के कहने से ईर्ष्या नहीं होती है ना, बल्कि अपने मन के अंदर अपने आप ही स्वभाव के अनुसार पैदा हो जाती हैं, तो ये स्वाभाविक मानवीय कमजोरी है, ना कि किसी के द्वारा बनाई गई कमजोरी। तो मानवीय जो कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से ये अध्याय समर्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखा गया अध्याय है, जो अर्धनारीश्वर जो इनकी पुस्तक है उसमें से लिया गया है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, क्योंकि लेखक ने उदाहरण सहित यहाँ पे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अब लेखक कहता है कि मेरे घर के दाहिने एक वकील रहते हैं जो खाने पीने में अच्छे हैं। अब खाने पीने में ऐसे नहीं कि जो रख दिया तो खा लिया पी लिया, बल्कि उनके यहाँ पे किसी भी चीज़ की खाने पीने की कोई कमी नहीं है, धन वगैरह की ओर की। दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं और सभा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं। बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी है। मृदुभाषिणी मतलब मधुर बोलने वाली है, स्वभाव से मधुर है वो। तो देखिए, अब लेखक के घर के पास में एक वकील साहब रहते हैं जो अच्छे हैं, अच्छे खाने पीने में अच्छे हैं, यानी कि उनके पास में धन वगैरह है, सारी सुविधाएं भी हैं और दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं, सभा सोसाइटियों में भाग लेते हैं, और बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार है, नौकर भी है जो सुख देते हैं उनका कहना मानते हैं, और पत्नी भी मृदुभाषिणी है। भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए? अब देखिए, लेखक प्रश्न पूछ रहे हैं कि भला एक सुखी मनुष्य को और क्या चाहिए, ये सब कुछ ही तो चाहिए जो उनके पास में है, मगर वे सुखी नहीं है। अब देखिए, वो सुखी नहीं है, अब सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे भी हैं, ठीक है ना, भरा पूरा परिवार है उनका, नौकर भी है और पत्नी भी मृदुभाषिणी है, मधुर बोलने वाली है, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करने वाली, अच्छा खासा पैसा वगैरह भी उनके पास में, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, फिर दुखी क्यों है? क्या कारण है दुखी होने का? उनके भीतर कौन सा दाह है, इससे मैं भली बात ही जानता हूँ। अब देखिए, लेखक कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि वो किस कारण से वो अंदर ही अंदर जल रही हैं। दाह मतलब अग्नि है, कौन सी अग्नि है जो जला रही है उनको? लेखक कहते हैं कि मैं भली बात ही जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट हैं, उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता रहता है। अब देखिए, अब लेखक के तो पड़ोस में वकील साहब हैं, और वकील के पास में जो है ना, वकील के बगल में ही जो मकान है वो किनका है? बीमा एजेंट का है, और बीमा एजेंट जो काफ़ी वैभवशाली है, और उनका जो वैभव है यानी कि पैसा जो रुपया वगैरह उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है, तो इसको देखकर जो वकील साहब का कलेजा जल रहा है यानी कि दुखी हो रहे हैं वो। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। अब देखिए, वकील साहब को भगवान ने सब कुछ दे रखा है, वैसे तो बच्चों से भरा पूरा परिवार है, पत्नी सुसभ्य है ना, सुसंस्कारी है, नौकर भी है, तो सब कुछ दे रखा है, पैसा भी दे रखा है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए काफ़ी नहीं है। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर उसकी मासिक आय और उसकी तड़क बढ़ के मेरी भी हुई होती। अब देखिए, वकील साहब सोच रहे हैं, अब बार बार यही चिंता उनको खा रही है कि काश जो एजेंट के पास में मोटर है यानी कि जो कार है वो उनके पास में होती, और जो उसकी मासिक आय वो उसकी होती, और जो तड़क बढ़क पूर्ण जीवन उसका है, एजेंट का है, वो उसका होता, तो यही ईर्ष्या उसको खाई जा रही है। अब लेखक कहता है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। अब क्या वरदान है? क्या ईर्ष्या किसी को वरदान दे सकती है क्या, जो कि दूसरों का बुरा करने वाली, तो वरदान कैसे दे सकती है, अच्छा कैसे कर सकती है? तो क्या वरदान है, देखिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम।
कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद हैं, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। अब देखिए लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है तो वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठा पाता जो उसके पास में है, बल्कि जो वस्तु उसके पास में नहीं है तो उससे वो दुख अनुभव करता है जो दूसरों के पास में है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। अब देखिए जब ईर्ष्या पैदा होती है ना तो हर प्रकार से तुलना करता है दूसरों के साथ में, दूसरों के पास में ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है, है ना। आपने भी देखा होगा कि आप भी कई बार तुलना करते हैं ऐसे, तो वो किसी ना किसी रूप में ईर्ष्या हमारे मन में पैदा हो रही है जो दूसरे के देख के अपने कहते हैं कि उसकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, लिखावट बहुत अच्छी है, तो मेरी ऐसी नहीं है, है ना। और मेरे पास में तो जो पेन है वो 10 रुपये वाला है, उसके पास में 50 रुपये वाला पेन है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं जो अभाव हैं उसका जो दंश है वो हमारे हृदय पर पड़ता रहता है, और दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है। अब लेखक कहते हैं कि इस दाह को जो दंश पड़ रहे हैं ना हमारे हृदय के ऊपर, हमारे अंदर जो कमियां हम ढूंढते हैं, हमारे पास में जो है हम उसका आनंद नहीं ले रहे हैं, बल्कि जो हमारे पास नहीं है तो वो कमियां ढूंढ रहे हैं हम, और वह जो दंश है, जो डंक है, वो लगता है हमारे जब हृदय पर, तो ऐसा दुख जो है हम भोग रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या। अब देखिए क्योंकि ईर्ष्या जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है, मनुष्य जानबूझ के थोड़ी किसी से ईर्ष्या करता है, वो तो अपने आप ही पैदा हो जाती है मन में। लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर ईर्ष्यालु मन मनुष्य जो है वो करे भी तो क्या करे, आदत से लाचार होकर उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है। अब वो आदत से लाचार हो जाता है तो उसे यह वेदना भोगनी पड़ती है, पीड़ा उठानी पड़ती है। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर ही चिंता में निमग्न रहना, किससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। अब देखिए भगवान ने एक छोटा उपवन दे दिया है, बगीचा दे दिया, तो हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते कि, और ना ही उसका हम आनंद लेते हैं, बल्कि ये चिंता रहती है कि इसे बड़ा अगर मिलता तो बहुत अच्छा था, ये तो छोटा सा दिया हमें। यह एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर उड़ता है। अब देखिए यह एक ऐसा सबसे बड़ा भयानक दोष है जिसके कारण से जो ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयानक हो जाता है। अब भयानक कैसे हो जाता है, तो चलिए लेखक इसमें आगे बता रहा है हमें कुछ। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। अब देखिए कि अपने अभाव पर वो दिन रात सोचता रहता है कि मेरे पास में ये नहीं है, वो नहीं है, तो सृष्टि की प्रक्रिया यानी कि सृष्टि की प्रक्रिया क्या है, नए निर्माण करना, लेकिन वो विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है, दूसरों का अहित करना जो है उस प्रारंभ कर देता है, और अपनी उन्नति के लिए उधम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। अब देखिए लेखक क्या बता रहे हैं जो ईर्ष्यालु है कि वो सृष्टि की जो प्रक्रिया की निरंतर हमें कार्य करते रहना चाहिए, प्रयत्न करता रहना चाहिए जिससे सफलता प्राप्त हो जाए, लेकिन वो इस प्रक्रिया को भूल जाता है और विनाश के मार्ग में लग जाता है, विनाश के काम में लग जाता है, और उन्नति के लिए उसको उद्यम कहते हैं परिश्रम को, कि परिश्रम करना चाहिए, वैसा परिश्रम नहीं करता, अपने उद्यम करने को छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब देखिए जो ईर्ष्या है ना उसकी बेटी का नाम निंदा है। अब ईर्ष्या अगर किसी के मन में पैदा हो गई तो स्वाभाविक रूप से तो निंदा का जो भाव है दूसरों के प्रति वह भी हमारे मन में जागृत हो जाता है, तो जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक भी होता है। अब किसी के प्रति हम ईर्ष्या रखते ना तो हम उसकी अच्छाइयाँ नहीं बताते बल्कि उसकी बुराइयाँ ही बताते रहते हैं, निंदा ही करते रहते हैं हम उसकी। तो दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। अब देखिए कैसा निंदक जो है ईर्ष्यालु जो है उसके मन में चलता रहता है, दूसरों की निंदा करता है तो उसके मन में होता है कि जो लोग दूसरों की आंखों में उच्च स्थान प्राप्त किए हुए हैं, जो अच्छे हैं, तो मैं अगर उसकी बुराई करता रहूँगा, निंदा करता रहूँगा, तो उसका जो स्थान है लोगों की आंखों में गिर जाएगा और जनता की दृष्टि से वह निकृष्ट हो जाएगा और उसका जो स्थान है वो अनायास ही मुझे मिल जाएगा और मैं उस स्थान पर बैठा दिया जाऊँगा। मगर ऐसा न आज तक हुआ है
ना ही होगा। अब देखिए लेखक चेतावनी भी दे रहा है इसमें कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं और उसको गिराने की कोशिश करते हैं किसी की नज़रों में, और हम किसी की नज़रों में ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो यह ना ही तो कभी हुआ है और ना ही ये हो सकता है। हाँ, एक समय के लिए तो हम उसकी निंदा कर सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है, है ना। कभी ना कभी तो वो सामने आती, तो उसकी इज्जत और अधिक बढ़ जाती है, और हमने जो किया है तो उसके लिए हमें जो है हर प्रकार से जो इज्जत है हमारी, जो हमने हमारा जो एक नया पद बना रखा था सभी के सामने, तो उससे हम गिर जाते हैं। दूसरों के गिराने की कोशिश तो अपनों को बढ़ाने की कोशिश नहीं कही जा सकती। देखिए, अगर हम दूसरे को गिराते हैं ना, तो इससे हम ये नहीं समझ सकते कि हम अपने आप को बढ़ा रहे हैं, बल्कि हमारा जो स्तर है वो और भी नीचा हो रहा है। एक बात और है कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। अब देखिए लेखक जो है एक सटीक बात बता रहा है इसमें कि संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता। अब हम जो है निंदा करते रहें तो निंदा किसकी होती है? जो कोई कार्य करेगा उसी की निंदा होगी। अगर कार्य अगर बुरा किया तो उसने कोई अच्छा कार्य भी तो किया होगा। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य जो है संसार में कोई भी मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, उसके पतन का कारण सद्गुणों का ह्रास होता है। यानी कि उसमें सद्गुणों की कमी अगर हो जाती है ना, तो ही उसका पतन होता है, ना कि निंदा करने से। और जैसे मान लीजिए सोना है, हम उसको बार बार पीतल कहते रहें, तो क्या उसका मूल्य कम हो जाएगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि उसकी चमक वैसी रहेगी तो उसका मूल्य उतना ही रहेगा। हाँ, लेकिन अगर पीतल जो है उसमें अधिक मात्रा में मिल गया है, है ना, उसमें दुर्गुण आ गए हैं, तो ही उसका जो पतन हो सकता है, तो ही उसका मूल्य कम हो सकता है। इसी प्रकार कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करने से अपनी उन्नति नहीं कर सकता। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करें। अब देखिए लेखक ने कितनी सटीक बात इसमें बताने का प्रयास किया है। ये हमें अपने जीवन में भी उतारनी चाहिए कि कोई भी मनुष्य दूसरों की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं कर सकता। अगर आप चाहें ना कि आप भी किसी की निंदा करते रहें और आपको उन्नति प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। उन्नति तो उसकी तभी होगी जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए तथा गुणों का विकास करें। अब दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो कहे कि दूसरों की निंदा करता हुआ कहे कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तो नहीं हो सकता ऐसा। कोई भी उसको अच्छा नहीं कहेगा जब तक कि उसका जो व्यवहार है वह स्वच्छ नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, और उसमें गुणों का विकास नहीं होता, तब तक वह जो है उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। तो ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अब देखिए, पहले तो इसने बताया लेखक ने कि ईर्ष्या की बेटी का नाम निंदा है, और लेखक कहते हैं कि ईर्ष्या का काम जलाना है। अब जलाना मतलब कि जला रही है। अब सबसे पहले वो किसको जलाती है? जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। अब मान लीजिए कि मेरे हृदय में ईर्ष्या का भाव हो रहा है, तो मेरे अंदर ही वो जलती रहेगी, मैं प्रसन्न नहीं रह सकता, मैं जो हर प्रकार से दुखी रहूँगा, और मेरे मन में चलता रहेगा कि कैसे ना कैसे मैं किसी का अहित करूँ जो मेरे सामने जो है अच्छा जो है स्थान प्राप्त ना कर ले, है ना। इस प्रकार का भाव मनुष्य के मन में जब आता है तो वह अंदर ही अंदर जलता रहता है। तो इसी कारण से लेखक ने कहा है कि ईर्ष्या का काम जलाना है, और सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार जो मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनाने वाला मिले और अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। अब देखिए, हम भी समाज में रहते हैं तो ऐसे मिल जाते होंगे, हमें भी कई लोगों को जानते होंगे कि जो ईर्ष्या और द्वेष की भावना जो अपने मन में रखते हैं, और जो ईर्ष्या और जो द्वेष की साकार मूर्ति हैं, और जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कोई तो मिले हमें जिसको हम ये बात सुना सकें, और जब कोई मिल गया तो अपने दिल का जो गुबार है, जो दिल की बातें हैं, तो वो सब निकाल देते हैं। श्रोता मिलते ही उसका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उसका और कोई ध्येय नहीं हो। अब देखिए, श्रोता मतलब सुनने वाला अगर कोई मिल जाता है ना, तो उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। अब ग्रामोफोन एक यंत्र है, पहले ये चलता था, ठीक है ना,
तो इसमें उनका ग्रामोफोन चलने लगता है, उनका रिकॉर्डर जो है चलने लगता है, और वे बड़ी होशियारी के साथ में एक एक जो कांड है जो उनके द्वारा किया गया कार्य है ना, जिसके प्रति वो ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखती हैं, तो उसके द्वारा किया गया प्रत्येक जो कार्य इस ढंग से सुनाते हैं कि जैसे वो स्वयं जो है विश्व कल्याण जो है के पथ पर अग्रसर हो रहा है और उसका कोई अन्य ध्येय ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, वो तो विश्व कल्याण चाहता है, विश्व में से सारी बुराइयों को, संसार में से सारी बुराइयों को दूर करना चाहता है। इस प्रकार से वो दूसरे की बात को सुनाते हैं। अगर ज़रा अपने इतिहास को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। अब देखिए लेखक इसमें जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनके ऊपर व्यंग्य कर रहा है, तो लेखक कहता है कि वो अपने सुकर्म का जब आरंभ किया था, सुकर्म यानी कि वैसे तो ये बुरा कर्म है, दुष्कर्म है ये, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सुकर्म बता दिया, अच्छा कर्म बता दिया, तो ये व्यंग्य की दृष्टि से कहा गया लेखक के द्वारा, ना कि हम सोचें कि अच्छा काम है निंदा करना या ईर्ष्या करना। तो लेखक कहता है कि जब से इन्होंने ऐसा सुकर्म यानी कि अच्छा काम प्रारंभ किया है अपनी दृष्टि में, तो जब ये प्रारंभ किया है तब देखें कि ये इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं पीछे हटे हैं, यह भी कि वे निंदा करने में संयम और शक्ति का उपयोग नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। अब लेखक कहता है कि उन्हें विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि अगर वो निंदा नहीं करते, संयम पूर्वक अपनी जो शक्ति का अपव्यय करते, अपनी शक्ति जो है उसको लगाते, तो उनका समाज में क्या स्थान होता, तो वे ये नहीं जानते। तो ये था ईर्ष्या से संबंधित। ईर्ष्या जो है जिसके मन में पैदा होती है तो वो पहले उसी को जलाती है। ईर्ष्या की पुत्री का नाम निंदा है। तो इस प्रकार के जो भाव हैं लेखक ने बताए हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उन्होंने, तो ये आज हमने अध्ययन किया भाग एक के अंतर्गत। कल हम भाग दो में पढ़ेंगे कि इसके माध्यम से वो और आगे क्या बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से जो चिंता है वो हमें चिता की ओर अग्रसर करती है, किस प्रकार से ये जो ईर्ष्या है और निंदा जैसे अवगुण हैं वे हमारे जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला देते हैं, किस प्रकार से हमारे जो जीवन को प्रसन्नता से निराशा की ओर ले जाते हैं, तो यही भाव जो है वह आज आगे के भाग में पढ़ेंगे हम। तो इसी के साथ ही धन्यवाद।